आसिबा परवर्ती खबर को राज्यर विभिन्न जिले में तापमात्रा खसिबारे लागिछि। आसंता चारि दिन मध्यर उत्तर आभ्यंतरीय ओडिशा रे तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री खसिपारे। फलरे नवंबर 10 तारीख सुधा राज्य में संपूर्ण भाव शीत अनुभूत हो। एथिसह गत 24 घंटा रे सोनपुर रे राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा 11.8 डिग्री रेकर्ड होईछि। खसुछि पारद, बढ़ुछि शीत। आसंता चारि दिन राज्यर विभिन्न जिले में कमिब तापमात्रा। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिग्वर थंडा और शुष्क वायु प्रवाहित होगामी 48 घंटा मध्य उत्तर आभ्यंतरण ओडिशा रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2 रु 3 डिग्री खसीपे। फल आसंता 10 तारीख सुधा सारा ओडिशा शीतर कबलित होपाग केन्द्र पक्ष सूचना मिली। एवंठार कंधमाल, कलाहांडी और सोनपुर में हालुकर मध्यम धरणर कुहुड़ी पड़ा आरंभ हो गला। सूखा उधर ही रहेगा। फिफ्थ डे में एक दो जगह में हल्का से मध्यम बारिश कोस्टल ओडिशा में हो सकता है। और मिनिमम टेम्परेचर व नाइट टेम्परेचर जो है इसमें हमारा इंटीरियर ओडिशा में स्लाइट और फॉल करने का चांसेस है। कोस्टल ओडिशा में तो 2 to 3 डिग्री अगला 48 आवर्स में फॉल करने का चांसेस है। गत 24 घंटा मध्य राज्य चारोटी स्थान तापमात्रा 15 डिग्री सेल्सियस तले रही 11.8 डिग्री सह सोनपुर सर्वनिम्न तापमात्रा सहर। से हीभि अनुगुल 12.6, दारिंगबाड़ी 14, झारसुगुड़ा 14.1 तापमात्रा रही। केन्दुझर 15 डिग्री, कटक 19 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रेकर्ड कर तेज। भुवनेश्वर में तापमात्रा 20.6 डिग्री थे। आसंता 48 घंटा मध्य तापमात्रा 19 डिग्री आखपाख खसपाग केन्द्र कही। भुवनेश्वर सिटी में 20.6 टेम्परेचर था। इसमें अगला 24 आवर्स में हमारा टेम्परेचर भुवनेश्वर सिटी में भी थोड़ा कम होने का चांसेस है, 19 के आसपास रहेगा। अब पिछले 24 घंटे का लोएस्ट टेम्परेचर था सोनपुर में 11.8 और 15 से नीचे हमारा 5 स्टेशन में था। दारिंगबाड़ी 14.0, झारसुगुड़ा 14.1, मंगुल 12.6, केउनझार 15.0 और सोनपुर जैसा बताया 11.8। अभी 2-3 दिन तक ऐसा इस तरह से ही रहेगा। राज्य में विभिन्न स्थान में पारद खसुवा बेले आगक शीत बढ़ाने पापाग केन्द्र आकलन कर।